बेस बनाने का सही जगह कौन सा है, कौन से पहल को स्टार्टिंग में पकड़ना है और कौन से टेक्नोलॉजी पॉइंट को अनलॉक करना है, अपने बेस को कैसे अपग्रेड करना है, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो आपको एंट्री लेते ही, वर्ल्ड में एंट्री लेते ही आपको अपना झोला खोलना है और झोला खोलने के बाद में आपको शेयर बैकपैक पे जाना है और यहाँ से सारे के सारे आइटम क्लेम कर लेने हैं। यस गाइस, इसको आप क्लेम कर लो। यहाँ से आपको 3 दिन का VIP मिलेगा जिससे आपका लेवल जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक बॉक्स जहाँ से आपको ये मिलेगा, एक बुक। ये देखो VIP वर्ल्ड एक्सेस 3 डे, यहाँ पे ये बुक है, इसको यूज कर लो और इस बेनिफिट से आप जल्दी जल्दी अपग्रेड कर पाओगे, आपका लेवल जल्दी जल्दी अपग्रेड होगा। ठीक है, इसको यूज कर लो। एंड ये हो गया करंट वर्ल्ड में आपका VIP चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, भले ही आप फ्री वर्ल्ड में जा रहे हो, अभी आपको बेस बनाने के लिए इस पत्थर को ढूंढना है। यस गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है, इससे आपको मिलेगा मेटल ओर और इससे आप बना पाओगे मेटल बार। बाकी हाँ, ये चेस्ट वगैरह भी आपको अनलॉक करते रहना है साथ साथ में, जहाँ जहाँ पे ये मिल रहा है, और आपको बस ढूंढते रहना है। लाइक ये मैंने एक ढूंढा है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक पत्थर नॉर्मल वाला पत्थर भी है और एक मेटल वाला पत्थर भी है। ये मेटल वाला पत्थर मान के चलो इसको, तो ये एक जगह है जहाँ पे आप बेस बना सकते हो। आप चाहो तो मैप पे देख सकते हो कि आप कौन से जगह पे हो और उसको फेवरेट भी कर सकते हो। यस, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको फेवरेट कैसे करना है। देखो यहाँ पे ये मैप है और यहाँ पे फ्लैग पे जाना है, मैंने स्टार लगा दिया। यहाँ पे देखो ये 2 पत्थर है यहाँ पे, आयरन वाले, और वो एक नॉर्मल पत्थर भी पीछे है, तो वो थोड़ा दूर है, तो हम इसलिए यहाँ पे बनाते हैं अपना टेबल और यहीं पे हम बनाएंगे अपना बेस। सबसे पहले तो आपको क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्राफ्टिंग टेबल बनाते हो आपको सारे हथियार बना लेने हैं। लाइक डंडा बना लेना है, कुलाली बना लेना है, फावड़ा बना लेना है लाइक पत्थर तोड़ने वाला, और सारा का सारा हथियार आपको बना लेना है जो भी अनलॉक है। पहले यहाँ पे डंडा और कुलाड़ी बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे आना है, और ये देखो यहाँ पे मीरा टर्मिनल, ये है अपना बेस का बुनियाद। ठीक है, ये आपके लेवल 2 पे होने पे ये अनलॉक होगा, तो यहाँ से अनलॉक कर लो फटाफट से। ये फावड़ा है, और उसके बाद में यहाँ पे ये स्टोरेज बॉक्स है, इसको भी अनलॉक कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2-3 चीज़ें अनलॉक करके आप फटाफट से यहाँ पे फावड़ा वगैरह बना लो। इसको यहाँ पे हम बेस बना लेते हैं, और बेस बनाने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना कि वो जो पत्थर है ना वो आपके बेस के अंदर रहे, लाइक वो जो सर्कल सामने चमक रहा है उसके अंदर ही वो पत्थर रहे, ताकि आपके पैल्स लोग ना वो पत्थर तोड़ पाएँ। यस, नहीं तो फिर आपको बार बार जाके तोड़ना पड़ेगा खुद से। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आई होप कि वो सर्कल में ही होगा, अंदर ही होगा अपने बेस के। फटाक से बना लेते हैं इसको, बनाने के बाद वो देख सकते हैं वो अंदर है या बाहर है, वो चमकने लगेगा बाउंड्री। बाकी हाँ, इसको आप मूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तोड़ना पड़ेगा। एक बार बन गया तो फिर इसको आप मूव भी कर सकते हो। ये बन गया हमारा बेस। अभी चलो फटाफट से देख लेते हैं चल के, लेवल 3 भी हो गया, नाइस। 5 मीरा बॉल भी मिला है। मीरा बॉल का भी अभी मैं बताता हूँ आपको, कहाँ से बनाना है, कहाँ से फार्म करना है, एक टेबल बनता है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये दोनों के दोनों पत्थर हमारे बेस के अंदर हैं, मतलब हमारे पैल्स जो भी माइनिंग वाले पैल हैं वो ये पत्थर तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा लेवल 3 हमारा हो चुका है, और यहाँ पे अनलॉक भी हमने कर लिया है। ठीक है, कैंप फायर, यहाँ पे कैंप फायर, और उसके बाद में एरो एंड बो, ये सब चीज़ें हैं, रिपेयर सेंटर, ये सारे के सारे आपको बना लेने हैं। और हाँ, सबसे पहले आपको बो एंड एरो बना लेना है, क्योंकि जब आप फाइट करने जाओगे ना, लाइक आपको लेवल अप करने के लिए फाइट करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा पैल्स, और कैप्चर करने के टाइम पे आपको बो एंड एरो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डंडे से मारोगे तो वो आपको एकदम से नज़दीक में जाके मारना पड़ेगा, और अगर आप एकदम से नज़दीक जाओगे तो वो लोग आपको मार सकते हैं। इसलिए आप बो एंड एरो बना लो, ताकि दूर से आप मारो और डॉज करने में आसानी हो आपको। अगर मान लो सामने से अटैक भी आ रहा है तो आप उसको डॉज भी कर पाओगे। ठीक है, चलो फटाफट से एरो ले लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं हंट करने। और हाँ गाइस, ये देखो ये है मर्चेंट, इससे ना आप सामान खरीद भी सकते हो और सामान बेच भी सकते हो। देखो अभी यहाँ पे वुड बेच रहा है, स्टोन बेच रहा है, ये सारे मेटल ओर बेच रहा है। ठीक है, मेटल ओर श्रेड, लेकिन अभी हमारे पास गोल्ड नहीं है तो हम नहीं ले सकते। फिलहाल हम चलते हैं केटिबा पकड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये सामने जो घूम रहा है ना, ये पैल वर्ल्ड में केटिबा है, यहाँ पे पता नहीं क्या ही तो नाम है इसका। इसको सबसे पहले आपको पकड़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक पहले तो क्राफ्टिंग, अगर आप कुछ करोगे, कुछ बनाओगे तो उसमें हाथ बटाएगा और ये पत्थर तोड़ेगा। लेस को यहाँ पे हमने पीछे से फेंका बॉल। ये है एक पानी वाला पैल जो कि वाटरिंग करेगा, और जब हम वो खाने का वो बनाएंगे ना, बेरी प्लांटेशन, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पानी देने के लिए वहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि पानी नहीं दोगे तो खेत में अनाज नहीं उगेगा। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो मेरा एरो खत्म हो गया है, अब मुझे डंडे से मारना पड़ेगा इसको, और डंडे से मारने के लिए मुझे इसके एकदम से करीब जाना पड़ेगा। अगर इसने पलट के मुझे वार किया तो भाई मुझे डैमेज भी हो सकता है, बट ये पलट नहीं रहा है पता नहीं क्यों।
चलो अभी हम इसको ना ट्राई कर लेते हैं एक बार, एक बॉल फेंक के शायद अभी आ जाए। 56% का चांस है, बहुत चांस होता है इतना ज़्यादा। ओ भाई साहब 56% चांस पे भी नहीं आया, लाइक सिर्फ एक डंडा मारा है और ये इसका परसेंटेज देख सकते हो 59 हो गया एंड ये आ गया। तो ये भी हमने पकड़ लिया, काम करने वाला भी पकड़ लिया। अभी लेवल 4 हो चुका है हमारा और इसको भी हम पकड़ ही लेते हैं। ये देखो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है भाई, रुकी जा पकड़ लेते हैं। लेट्स गो, कितना परसेंट का चांस है? ओके ठीक है, आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो, ये भी आ गई। अभी हमको चाहिए एक ऐसी चिड़िया जो वो करे, प्लांटिंग करे। बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप सारे के सारे एबिलिटीज वगैरह, जैसे ही आप पैल पकड़ोगे यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये बॉक्स जो है ना मिराइबो इन द आउटपोस्ट, यहाँ पे जब आप पैल्स को डालोगे तो वो आपके बेस में काम करेंगे। बाकी एबिलिटी देखना है तो आप टैप करके सारे के सारे पैल्स का एबिलिटी देख सकते हो, क्या क्या कौन कौन करने वाला है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं। तब तक ये टेक्नोलॉजी पॉइंट में आके बेड अनलॉक करना है, मीरा बेड अनलॉक करना है, सब कुछ अनलॉक कर लेते हैं गाइस फटाफट से, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाना है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ज़रूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक नीड है, ये बेसिक ज़रूरत है, इसको बनाना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं। मीरा के सोने के लिए हो गया, अपने सोने के लिए हो गया, कपड़े बनाने के लिए यहाँ पे फाइबर एंड क्लोथ आर्मर, ये सब चीज़ें हो गया है। बाकी यहाँ से फीडबैक ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं चाहिए। ये आर्केड भी चाहिए, इसको भी अनलॉक करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 5 तक ही हमारा अभी अनलॉक हुआ है टेक्नोलॉजी। मीरा बॉल जनरेटर, ये यहाँ से आपको मीरा बॉल मिलेगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट करता रहेगा। हाँ मतलब कम करता है लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत कर देता है। पर सबसे पहले यहाँ पे हमको बेस पे आके एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि अगर आप बाहर निकल के गैदर करोगे तो आपका झोला भर जाएगा, और अगर झोला भर गया तो उसको खाली करने के लिए एक चेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको फटाफट से एक चेस्ट भी बना लेना है, मतलब 2-3 भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। और अपने जो आइटम है, झोले वाला आइटम है, उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो इस बॉक्स में। देखो ये चिड़िया ढूंढने आया था मैं। ओके, तो इस चिड़िया को हम मारेंगे और पकड़ेंगे, ये करेगी हमारा प्लांटेशन, अबे भाई गैदरिंग, और उसके बाद में मतलब खेत में काम करेगी बेसिकली। और इसको ना 5 चिड़िया पकड़ना है, ये एक चैलेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ होता है कोने पे कि भाई ये क्रीपी नाम है इसका। ओ भाई कौन है रे भाई, ये एसिड रेन हो रहा, देख रहे हो, लेवल 6 हो गया, नाइस। और हाँ, इस बंदर को भी पकड़ लेते हैं, ये बंदर भी इंपॉर्टेंट है, काम करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम करेगा, लेकिन इसको पहले यहाँ पे, अभी भाई आग आग फेंक रहा है ये तो। ठीक है, फटाफट से हम इसको पकड़ लेते हैं मार के। लाइक आप ना पैल्स को भी लगा सकते हो काम पे, अभी मैं आपको फाइट करने के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फाइटिंग का, अभी आपको स्किल भी मैं सिखाता हूँ आपको कैसे फाइट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे जो फाइट कर रहा हूँ, आपको इस तरह से फाइट नहीं करना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपको कैसे फाइट कैसे करना है। लाइक अगर आप मरना नहीं चाहते हो, लाइक यहाँ पे देख सकते हो ये मार रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार रहा है और हम डॉज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको पैल्स लगा के खुद नहीं फाइट करना है, लाइक आपको पैल्स से फाइट करवानी है, तो आप किस तरह से कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे 100% हो गया है, ये आ गया है, कैप्चर हो गया है। अभी फटाफट से एक और पकड़ लेते हैं केटिवा, तो इसको भी हम पकड़ लेते हैं। बाकी वो उस तोते को भी पकड़ना है, तोता ही मान लो, वो तोते जैसा है तो तोता ही मान लो, इसको भी हमको पकड़ना है। इसको 5 पकड़ना है, तो फटाफट से हमको ना 5 पकड़ना पड़ेगा। देख रहे हो एचपी मेरा जा रहा है धीरे धीरे से, और कोई बात नहीं, ये आ गया 100% कैप्चर रेट में आ गया, क्योंकि हमारा लेवल अभी इनसे ज़्यादा हो गया है। और ये है मेरा एसेंस, इसको भी ले लेना है, मेरा और श्रेड। ये बॉस भाई, दूर रहना है बॉस से, दूर रहना भाई लोग, अभी करीब नहीं जाना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लो लेवल है, तो तुरंत मार देंगे वो लोग। ये देखो एक लेवल का है, कैप्चर रेट मतलब अपने से नीचे लेवल रहेगा ना तो कैप्चर रेट अच्छा आएगा, और अपने से ज़्यादा लेवल रहेगा तो थोड़ा कैप्चर करने में दिक्कत होगा। ठीक है, ओके, तो अभी मेरा उस पर आके इसको अपग्रेड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हो अपग्रेड करने के लिए अवेलेबल हो गया है, हमने बना लिया है कंस्ट्रक्ट स्टोरेज बॉक्स और ये सब चीज़ें, कंस्ट्रक्ट हार्ड वुड बेड ये भी बना लिया है मैंने, और उसके बाद में कंस्ट्रक्ट सिंपल वर्क बेंच ये भी बना लिया मैंने। तो ये हो गया हमारा लेवल 3, मतलब जितना लेवल होगा उतना पैल लगाने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो 2 स्लॉट और नीचे खुल गया है, मतलब 2 और पैल हम लगा सकते हैं, तो 2 केटिवा लगा देते हैं, और एक कोई सा भी मैं लगा देता हूँ, कौन सा लगाऊँ, ये बंदर को लगा दूँ क्या? बंदर क्या करेगा, ये देखो लकड़ी काटेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा, हाथ में हाथ का भी काम करेगा, मतलब काम भी बटाएगा और सब कुछ करेगा। ठीक है, चलो अभी फटाफट से हम बना लेते हैं मीरा बेड, और हमारा बेस लेवल अप होगा फटाफट से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं मीरा बेड, 3 बनाना है मुझे अभी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 3 बना दिया मैंने, यहाँ पे 3 ही बनाना था, बेस की रिक्वायरमेंट थी कि भाई 3 बेड बनाओ। अभी देखो यहाँ पे ना ये लोग देखो काम कर रहे हैं, देखो आगे केटिवा आ गया,
और वो बिल्ली भी आ गई और ये भी आ गया। चार लोग मिलके उधर, सॉरी वो बिल्ली काम नहीं कर रही है, वो खड़े होकर देख रही है, बाकी तीन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखो भाई मुझसे तगड़ा उन्होंने बिल्ड कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, इसको मैं पकड़ रहा था और मेरी एचपी देखो कितना ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि ये ना थोड़ा हाई लेवल का था और डाउन लेवल का है देखो यहाँ पे, और ये थोड़ा खतरनाक भी है। तो यहाँ पे मेरा एचपी थोड़ा सा डाउन हो गया, बाकी हमने यहाँ पे इसको पकड़ लिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको कैप्चर करना है थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का पैल। देखो यहाँ पे एक पैल है, अभी इसको एक डंडा मारेंगे और उसके बाद में इधर कोने पे जो बटन है ना इसको टैप कर देंगे, और जैसे ही आप टैप करोगे वो लॉक हो जाएगा, वो टारगेट लॉक हो जाएगा, और बस आपको गोल गोल घूमना है, आपके पैल से वो लड़ेगा। और जैसे ही उसका एचपी कम हो जाता है आप फटाक से बॉल फेंको पीछे से और उसको कैप्चर कर लो। ये देखो आराम से आपको आपको ये मूव नहीं कराना पड़ेगा, बार बार स्क्रीन स्वाइप करके और उसको देखते नहीं रहना पड़ेगा, मतलब कहाँ गया ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ढूंढना उड़ना नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ गया वो दिख नहीं रहा है। ऑटोमेटिक वो सर्कल बना के घूमता रहेगा, आपका कैरेक्टर जो है ना वो सर्कल बना के घूमता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि वो एक खंभे जैसा मान लो पोल सेंटर में हमने गाड़ दिया है और उस रस्सी से बंधे हैं और चारों ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब तक वो निशान है ना लाल वाला कि हाँ भाई इस पे टारगेट है, तब तक आप ऐसे घूमते रहोगे। इसका देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा लेवल था इसका, हमसे ज़्यादा लेवल था, 11 लेवल था, इसलिए वो कैप्चर बॉल में नहीं आ रहा था और लास्ट में मर गया। बट कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, क्या ही कर सकते हैं, मटेरियल हमको मिला है थोड़ा सा। अभी चलो बेस पे चलते हैं फटाफट से, हमारा लेवल 8 हो चुका है और ये अपग्रेड करने के लिए मुझे बनाना है मेरा फीड बैग, जो कि है अपना वो फीड बैग जो कि यहाँ पे ये है, अनलॉक हो चुका है मेरा। बाकी गाइज यहाँ पे देख सकते हो लंबर मिल एंड रॉक क्वेरी भी अनलॉक हो गया है लेवल 8 पे। अब हमारा काम है इसको बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और हाँ ये स्टैचू भी बना लेते हैं और ये इक्विपमेंट टेबल भी बना लेते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको आपको बना लेना है। बाकी इधर ये सब नहीं बनाना है, कोई फ़ायदा नहीं है इनको बना के, ठीक है। चलो अभी फटाफट से सबसे पहले तो हम सो जाते हैं, रात हो गया है क्योंकि रात में पैल्स काम नहीं करेंगे। चलो अभी सुबह हो गया, फटाफट से लकड़ी वकड़ी काट लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करके फिर हम बनाते हैं हमारा वो जो फीड बैग है, उसके बाद में जो लंबरिंग मील है और सारे के सारे आइटम जो हैं वो बनाने हैं। बाकी अगर आपका वेट ज़्यादा हो जा रहा है, लाइक आपका यहाँ पे अगर आप चल नहीं पा रहे हो वेट की वजह से, तो वेट आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो अपना। सबसे पहले हम पत्थर वाला बना लेते हैं क्योंकि पत्थर बहुत कम पड़ रहा है यार, इसको ना हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे से, लाइक ये बेस के अंदर है, हाँ है। तो यस गाइस यहाँ पे ये बन रहा है, केटीबा लोग हेल्प कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे, और ये कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमको बनाना है ये लकड़ी वाला लंबरिंग वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे बनाना है हमको, तो सारा मटेरियल यहीं पे छूट जाएगा। लेस को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, तो ये बन चुका है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हमको लकड़ी का और पत्थर का टेंशन नहीं होगा, ओके। बाकी चलो यहाँ पे ये टेबल बना लेते हैं, ये टेबल भी बनाना था। ये है मीरा टेबल, मीरा ब्रीडिंग टेबल, जो भी मतलब पता नहीं क्या ही तो नाम है इसका। यहाँ से आपको मीरा बॉल मिलता है, यहाँ से देखो यहाँ पे 480 बनेगा 19 दिन में, ठीक है। और हर एक घंटे में एक बॉल बनेगा, मतलब 24 घंटे में 24 बॉल बनेगा, ठीक। तो ये बॉल वाला बना लेना टेबल, बाकी मेरा फीड बैग भी बनाना है। और ये देख सकते हो गाइस ये स्पॉन हो गया था हमारा पत्थर, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे मूव करके यहाँ पे लगा दिया है, और इसको भी थोड़ा सा मूव करके हम यहाँ पे सेंटर में बाजू में लगा देते हैं इसके, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा दूर होके पहले यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये देखो ये दोनों लगा दिया मैंने, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, रुक जा भाई, ठीक है। अभी हमको देखो यहाँ पे ठंड भी लग रहा है, हमारा एचपी यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो हमको कपड़ा भी बनाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने। आगे चलो गाइज अभी ना हम एक फीड बॉक्स भी बना लेते हैं, लाइक मेरे पास सामान नहीं है लेकिन मैं लेके आता हूँ और उसको बनाता हूँ, ठीक है। चलो अभी आ गया है सामान, अभी यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं इसको सेंटर में, ये नज़दीक में रहेगा तो ये लोग खा पाएंगे आराम से। बाकी इनको भी हमको थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर देना है, मूव कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से, आप कोई भी सामान मूव कर सकते हो जो भी आपके बेस में है, और एक साइड से लगा देते हैं ताकि ऐसा यहीं पे ये लोग सोएंगे, सामने खाएंगे और फिर यहाँ पे काम करेंगे। तो ये हो गया है हमारा काम। बाकी गाइस यहाँ पे एक चेस्ट बना देते हैं ताकि ये लोग लाके इधर सामान रखें। यहाँ पे आप ये सेटिंग कर सकते हो कि भाई इस बॉक्स में क्या रहेगा, क्या डालना है, लाइक यहाँ से हम सारे ऑफ कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें वुड रखेंगे, बाकी जो दूसरा वाला है पत्थर के बाजू में उसमें हम पत्थर रखेंगे, और जो खाना वाला प्लांटेशन वाला भी बनाऊंगा
उसमें मैं कर दूंगा फूड का, ताकि वो वहाँ पे सिर्फ फूड स्टोर हो। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा लकड़ी वकड़ी ले लेते हैं, बाकी सारा सामान अभी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लकड़ी पत्थर का दिक्कत नहीं होगा। एक बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं और इसमें सेटिंग कर देंगे ताकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर रहे। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं ताकि सारा का सारा आइटम यहीं पे बाजू में रहे। ये यहाँ पे अभी सारे पहल इकट्ठा यही नज़दीक नज़दीक में काम करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा इनको। ठीक है, आप भी यही सब ऐसा देख के बनाना, एक बहुत लंबा बहुत दूर दूर मत बना देना, नहीं तो पहल को आने जाने में टाइम लगेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं अपना टर्मिनल। ओ माय गॉड, कंस्ट्रक्ट और अरे अच्छा वो बन रहा है अभी। ठीक है, अभी वो बन रहा है, कोई बात नहीं, दो और मैंने यहाँ पे लगा दिया तब तक। और वो देखो बन गया अपना फॉर्म, और ये हो गया है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड लेवल 5 पे। यस, यहाँ पे मैंने 5 तक कर लिया है, हमारे बेस का सारा काम हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्नोलॉजी हमारा 9 तक अनलॉक हो चुका है। अभी हमको गार्डियन स्टेच्यू बनाना है, उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा जो कि हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे ये वाला रॉ मटेरियल प्रोसेसर ये भी बना लेना है, इससे क्या होगा वो जो ब्लू वाला पत्थर है ना वो इस पे बनेगा, तो उसको भी ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यस गाइज इतना काम आज हमने कर लिया है, ये हमारा डे 1 है। बाकी अगर डे 2 का भी प्रोग्रेस देखना है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फूड वाला वो कर लेना, लॉक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।